हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दिस इज हरमगान सुल्तान फ्रॉम एक्सोनिक गेमिंग। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के, यानी जो बैन के बारे में रिसेंट अपडेट आई है। एक ये अपडेट आई थी कि पबजी मोबाइल वालों ने खुद अनाउंस कर दिया अपने ऑफिशियल पेज पर कि वो हर तावन के लिए रेडी हैं, जैसा भी पीटीए वाले कहेंगे। तो अभी पीटीए के जो यानी चेयरमैन थे, वो भी एक जर्नल हैं, तो उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग कुछ कहा है। तो वो एक इंटरव्यू है, एक गुफ्तगू है छोटी सी, जो मेरे पास पहुँची है। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर क्यों ना की जाए। तो गाइज़, अभी आप लोग वो भी सुन पाओगे, और सबसे पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्होंने बेसिकली कहा क्या है। दोस्तों, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये कहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन वाले इधर आएं और हमारे साथ आकर बात करें, क्योंकि यही एक कानूनी रास्ता है। तो गाइज, अभी आप लोगों को बता दूं कि ये जो भाई साहब ये इधर कह रहे थे कि भाई हमसे अगर बात करें, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब पबजी को बैन किया था, तब ये इशू नहीं था कि पबजी वालों ने इधर आकर रजिस्टर नहीं किया, तब इनका इशू कोई और था। उसके बाद 9 जुलाई के अंदर इन्होंने इस्लामिक के बारे में कहा कि इसके अंदर इस्लामिक के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ मवाद है जी, इसलिए बैन कर रहे हैं। तो गाइज़, ये तो सारे लगा रहे हैं बहाने, ठीक है ना गाइज़। तो अभी ये ना हो कि मैं इनके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ तो कल मैं ही ना मिलूँ, तो गाइज़ सॉरी यार। तो अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि यानी वो क्लिप भी दिखा दूंगा और बाकी भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। तो गाइस, उन्होंने ये चीज कही कि हम लोग यानी इसको अनबैन नहीं करने वाले जब तक पबजी कॉरपोरेशन हमारे पास आती है। हमें आवाम का प्रेशर नहीं ऐसे रोक सकता, आप लोग जितने मर्जी ट्वीट कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन आकर हमें वो डाटा शेयर नहीं कर देती प्लेस का, और हमारे पास यानी एक एक तफसील नहीं आकर शेयर करती, तब तक हम पबजी मोबाइल को अनबैन नहीं करने वाले। और अभी ये आप लोग सुन सकते हैं उस बंदे का इंटरव्यू। तक आपके साथ रबते में आई है, यानी हमारे साथ चेयरमैन पीटीए जी को हमने लिखा है जी कि हमारे साथ कुछ उनकी जो जो कंसर्न्स हैं, अगर वो एड्रेस करें तो हम बैठ के उसके बाद उस पर को बात कर सकते हैं। मेरी यही होगी कि जी आए, बाकी एप्लीकेशन भी बात करती हैं, तो पबजी को भी एंगेज होना चाहिए ताकि मसले का हल निकाला जाए। पबजी चाहती है कि अवामी प्रेशर के थ्रू हम जो है इलीगल तरीके से पाकिस्तान में, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं ये कहूँगा कि कानून के मुताबिक तमाम चीज़ें ठीक करेंगे, और पबजी भी एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, उनको आना चाहिए बात करके ताकि उसको कोई ऐसा सूटेबल मैकेनिज्म बना दें जिससे जो कंसर्न है वो एड्रेस हो जाए, और इसके अलावा कोई इशू। पीटीए खुद चाहता है कि ये पबजी ऑन बैन होनी चाहिए, खुद पीटीए ये चाहते हैं कि हर काम कानून के मुताबिक होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी।